हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट इन ज्योग्राफी आवर रिसोर्सेज। नाउ वी विल ट्राई टू नो अबाउट मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। The resources that are created from the natural substances by the human beings to produce valuable products, बताया जा रहा है कि वैसे संसाधन जिसको मानवों द्वारा प्राकृतिक पदार्थों से अपनी जरूरत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, वैसे संसाधन को हम लोग मैनमेड संसाधन कहते हैं। जैसे कि सड़क, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिसेज, ईटीसी, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड रिसोर्सेज, राइट? दीज रिसोर्सेज रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजीज एलॉन्ग विथ स्किल, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये सारे संसाधन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तकनीक के साथ ही साथ कौशल, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है मानव द्वारा। तो ये सारे जो चीज़ आप देख रहे हैं, सड़क, रेलवेज, बिल्डिंग्स, ये मैनमेड रिसोर्सेज में आएंगे। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स विथ देयर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड हार्ड वर्क हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज। मानव जीव सबसे महत्वपूर्ण तथा अंतिम संसाधन होता है। मानव जीव साथ ही साथ अगर उसमें स्किल आ जाए, तकनीक आ जाए, कठिन श्रम आ जाए प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही साथ, तो ये ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। तथा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर हार्नेस्ड बाई ह्यूमन बीइंग्स। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि इसी बात पर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाले कितनी अच्छी तरह से संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। इट मीन्स दैट ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, राइट? नाउ वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स, संसाधनों का मान मूल्य। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, बट सम ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड डेवलप दीज रिसोर्सेज, हेंस दे रिमेन पुअर एंड अंडर डेवलप्ड। दुनिया के सभी देशों के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसा जानते हैं कि उन्हें कैसे यूज करना है तथा उन्हें कैसे विकसित करना है। और इसी चलते अधिकांशतः जो देश हैं वो गरीब तथा अविकसित ही रह जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अ पार्टिकुलर रिसोर्स चेंज विथ टाइम, इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द चेंजिंग वेदर बट ऑल्सो ऑन डिफरेंट नीड्स ऑफ द ह्यूमन। बताया जा रहा है कि किसी एक विशेष संसाधन का महत्व समय के साथ बदल जाता है। यह मात्र मौसम संबंधी घटनाओं के बदलने पर ही निर्भर नहीं होता है, साथ ही साथ मानव की जो अलग अलग आवश्यकताएं जो हैं इस पर भी डिपेंड्स करता है कि संसाधनों का वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, राइट? रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, एस्थेटिक एंड लीगल वैल्यू, ईटीसी। संसाधनों का जो मान है उसको हम लोग आर्थिक मूल्य में, या एस्थेटिक मतलब सुंदरता से संबंधित, तथा कानूनी वैल्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स इज काउंटेड व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल पर्पसेस। किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य उस समय माना जाता है या गिना जाता है जब इसका प्रयोग निजी तौर पर हो किसी संसाधन का, या उसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू। अगर कोई संसाधन का पैसे रुपए में कोई मान है तो ये कह सकते हैं कि इसका इतना आर्थिक मूल्य है। एस्थेटिक वैल्यू, सेंस ऑफ प्लेजर इज अ
बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. सो द थिंग्स दैट गिव्स अस प्लीजर आर ऑल्सो रिसोर्सेज. बताया जा रहा है कि सेंस ऑफ प्लीजर, मतलब किसी सुखद या सुंदरता जो है, ये मानव की विशिष्ट चाह है. अतः वैसे वस्तुएं जो हमें सुखद अनुभूति प्रदान करती हैं, वो भी एक संसाधन है. जैसे कि द डिज़र्ट एंड सीज आर सच रिसोर्सेज बिकॉज वी इंजॉय देयर ब्यूटी. इस तरह से जो डिज़र्ट है, समुद्र है, मरुस्थल है, वो भी एस्थेटिक वैल्यू में आते हैं. ये इस तरह के संसाधन हैं क्योंकि हम इन्हें देखते हैं तथा हम इनके जो ब्यूटी हैं, जो इनका नेचुरल सिनेरियो है, उससे प्लीजर महसूस करते हैं. सो दीज हैव सम एस्थेटिक वैल्यू, राइट. नाउ लीगल वैल्यू. इफ अ रिसोर्स इज लिमिटेड, इट बिकम्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर अस. एज सुन एज वी मेक अ लॉ टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, वी अटैच लीगल वैल्यू टू देम. कानूनी मूल. अगर कोई संसाधन सीमित मात्रा में हो तो यह बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए मूल्य रखता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती होता है. तो हम क्या काम करते हैं कि अति शीघ्र हम एक कानून बनाकर ऐसे संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उसमें एक कानूनी मान भी जोड़ देते हैं, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू नो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. द टर्म कंजर्वेशन विच मीन्स इन हिंदी संरक्षण, रक्षा करना, बचाना, संसाधनों को बचाना.